इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई सेकंड तक कांपती रही है धरती। दहशत की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से भूकंप से कांप गई है। कई सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पिछले कुछ महीनों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं और दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आती है और दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी वजह से यहां भूकंप के झटके अक्सर महसूस किए जाते हैं। अनुष्का गर्ग इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुष्का, क्या जानकारी मिल रही है इस भूकंप के बारे में? बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर और इन सभी इलाकों में भूकंप जो है वो देखने को मिल रहा है। चारों तरफ हमने देखा कि कुछ महीनों पहले भी हमने देखा था कि एक ही महीने के अंदर 3 भूकंप के झटके महसूस किए थे, वैसे ही एक झटका आज भी महसूस किया गया है दिल्ली एनसीआर में। और झटका महसूस होते ही, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ऑफिस का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दफ्तरों से बाहर की तरफ निकलते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से भूकंप के झटके आ रहे हैं, लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं चिंता जो है वो बड़ी चिंता देखने को मिल रही है कि आखिरकार क्यों इस तरीके से लगातार भूकंप के झटके जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ अभी हम अगर भारत की बात करते हैं तो सिर्फ भारत नहीं, बल्कि हम देख रहे हैं कि काठमांडू में और बाकी कई जगहों पर हम देखते हैं कि भूकंप के जो एपिसेंटर्स हैं वो आए हुए हैं। और इसकी वजह से लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से हम देख रहे हैं कि डर का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त ज्यादातर लोग अपने दफ्तरों में होते हैं, तो इस वक्त काफी ज्यादा भगदड़ का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग अपने ऑफिस से नीचे की ओर आते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी अब इन चीजों की चर्चाएं जो है वो होने लग गई है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर जो जानकारी मिल रही है अनुष्का, उसके मुताबिक हिंदू कुश रीजन में ये भूकंप का केंद्र था और इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर से पहले पाकिस्तान में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। मतलब उत्तर भारत में, और जैसा कि 2 मेन सेंटर होते हैं, एक हिमालय के तलहटी में और दूसरा जो कि हिंदू कुश रीजन में होता है, और वहां हिंदू कुश में इस वक्त झटके महसूस किए गए हैं और इस वजह से भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। किसी तरह की कोई नुकसान की खबर या किसी तरह की दहशत की खबर आ रही है अनुष्का? बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि भूकंप को लेकर के बहुत सारे सवाल जो है वो लोगों के मन में उठता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि आईएमडी की तरफ से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन जो है वो बताया जा रहा है कि जो भूकंप का मैग्नीट्यूड था वो सिर्फ 0.2 के आसपास जो है वो बताया जा रहा है। और इसके अलावा 30 सेकंड तक लगातार ये भूकंप का जो झटका है वो महसूस किया गया, जिसकी वजह से लोग भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा लोग हम देख रहे हैं कि भगदड़ जैसा जो एक माहौल है वो देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस साझा करने लग गए हैं कि किस तरीके से भूकंप का झटका जब आया तो वो क्या कर रहे थे। और इस बीच में लोगों को कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लगातार एडवाइस भी दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द बिल्डिंग जो है वो खाली करें, क्योंकि लगातार 30 सेकेंड तक जो पूरा झटका है उसको महसूस किया गया है और लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं पैनिक का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और हिंदू कुश रीजन में ये भूकंप का केंद्र था और इस वजह से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, तमाम जो शहर हैं पाकिस्तान के, वहां पर भूकंप का ज्यादा असर देखा गया है, ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं। राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 बताई जा रही है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भूकंप के झटके आने की मुख्य वजह होती है हिंदू कुश रीजन में आया हुआ भूकंप का झटका। आज जो आया है, इससे पहले हिमालय रेंज में अगर कोई भूकंप आता है तो उसका भी असर दिल्ली रीजन पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और इस बार अफगानिस्तान में हिंदू कुश के नीचे भूकंप का केंद्र था और इस वजह से काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए और अफगानिस्तान में 6.1 तीव्रता मापी गई है अफगानिस्तान में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं ये भूकंप 6.1 तीव्रता का था और अफगानिस्तान के हिंदू कुश रीजन में इसका मुख्य केंद्र था और वहां से पाकिस्तान के कई अहम शहरों में भी झटके महसूस किए गए हैं। हर जगह एक जैसी दहशत देखने को मिल रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ज्यादा ट्रेमर्स महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी लोग बाहर निकले हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अनुष्का हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनुष्का, आपसे हम संपर्क करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, 6.1 तीव्रता का यह भूकंप काफी जोरदार माना जा सकता है और दिल्ली एनसीआर इसी वजह से हिल गया है। कई सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान के हिंदू कुश रीजन में भूकंप का केंद्र
और वहां 6.1 तीव्रता मापी गई है। पाकिस्तान भी पूरी तरह से दहल गया है, भूकंप के झटकों से हिल गया है। वहीं दिल्ली NCR में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। कई सेकंड तक भूकंप के झटकों से हिलती रही है धरती, घरों के अंदर सामान हिलता हुआ नजर आया है, सीलिंग में लटके हुए पंखे, झूमर, सब कुछ हिलते हुए नजर आए हैं। लोग दहशत की वजह से अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। हमारी सहयोगी अनुष्का इस बड़ी खबर पर जुड़ गई हैं। अनुष्का, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान समेत हिंदुस्तान भी कांपा है। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि भूकंप जो है उसके झटके महसूस करने को मिले। दिल्ली NCR में एक बड़ा झटका महसूस करने को मिला जो 30 सेकंड लंबा बताया जा रहा है। IMD की अगर मानते हैं तो जो भूकंप का झटका था उसका जो मैग्नीट्यूड है उस 6.1 जो है वो दर्ज किया गया है। साथ ही साथ ये जो है अफगानिस्तान के आसपास भूकंप का झटका महसूस किया गया है, जिसकी वजह से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जिनके ऊपर भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए। और लगातार कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के पैनिक में आ गए। दफ्तर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उतर कर बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके के भूकंप के जो झटके हैं वो देखने को मिले थे। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि काफी सारे भूकंप के ऐसे ही जो झटके हैं वो हमें बीते समय में भी देखने को मिला था। कई बार ऐसा हुआ कि हमने देखा नेपाल में जो भूकंप का झटका है वो महसूस किया गया। इससे पहले भी हमने देखा था कि काफी ज्यादा भूकंप को लेकर के तबाही जो है वो टर्की में बचता हुआ नजर आया था। इसकी वजह से लोग भी कहीं ना कहीं भूकंप को लेकर के काफी ज्यादा दहशत का जो है वो एक तरीके से महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली का जो सेस्मिक जोन है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। और दिल्ली में जो कभी भी अगर आसपास के किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र में अगर भूकंप आता है तो दिल्ली में इसका जो झटका है वो खास तौर पर महसूस किया जाता है, क्योंकि दिल्ली सिस्मिक जोन जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। यहाँ पर किसी भी टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है सबसे पहले महसूस किया जाता है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी चिंता जो है वो देखने को मिल रहा है। और लगातार कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि आखिरकार भूकंप के पीछे आने के पीछे का जो कारण है वो क्या है, क्योंकि लगातार भूकंप के जो झटके वो इसी तरीके से महसूस किए जा रहे हैं। जी चंदन जी, बिल्कुल, भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और खासतौर पर पाकिस्तान के कई शहरों से तस्वीरें आनी भी शुरू हो गई हैं जहां भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद की बात करें, कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, पेशावर की बात करें, तो लगभग पूरा पाकिस्तान भूकंप के इन झटकों से टहल गया है। अफगानिस्तान का फैजाबाद भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। हिंदुकुश रीजन में जमीन के नीचे भूकंप का यह केंद्र था और 6.1 तीव्रता के इस भूकंप से उत्तर भारत कांप गया है। दिल्ली NCR में खासतौर पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में तेज झटके महसूस किए गए हैं। जोरदार झटकों से हिल गया है पाकिस्तान। कई सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान के हिंदुकुश रीजन में 6.1 तीव्रता का भूकंप और इसका असर दिल्ली NCR में भी देखने को मिला है और पाकिस्तान के कई शहरों में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। Z News.